ये बताइए मुझे कि कुछ लोगों को आप एक लफ्ज में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि डिफाइन करने, एक्सप्लेन तो नहीं, वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी मेरे ना, मैं एक्सप्लेन बहुत बोलता हूँ, तो मुझे दो तीन लोगों ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक तुम एक्सप्लेनेशन देते रहे। यार मैंने कब मांगी ये मेरा भाई है फिर। क्या करें, हमारी मजबूरी है, लोगों को बात नहीं समझ आती। एग्जैक्टली, अब हम लेक्चर ना दे तो क्या करें, इतना भाषण दे के भी फिर आगे से कहते हैं कि अच्छा तो फिर मैं 7 बजे आ जाऊँ। अच्छा ये तो वैसे कॉमन प्रॉब्लम है ना, कॉमन प्रॉब्लम है ना। 6 दफा मैंने कहा है, मैंने कहा 6 बजे का टाइम है, मुझे 6 बजे पहुंचना है हर सूरत। कैसे पहुंची मैं? पहुंची आप तो पहुंची, मैं भी 6 बजे पहुंच, मुझे पता नहीं मैं आपकी बात तक कैसे पहुंच गई। वो मेरे एग्जैक्टली पहुंच गई है, मैं देखा भी नहीं मैंने, मैं पहुंच गई। वो तो आ गया और देख नहीं है ये हमारे जो है, लेकिन आप लोगों के मसले भी मैं समझती हूँ, आपकी तरफ भी आऊंगी, सब आगे सियासत भी तो करनी है ना। यस, आप सीख रही हैं, वेरी गुड, आप सीख जाएंगी। आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हम 2-4 पॉडकास्ट करेंगे, आप सीख जाएंगी। अच्छा जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप एक लफ्ज में जो है वो डिफाइन करते हैं। आपको पता है ये मेरे और आपके लिए कितना मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा चैलेंज है। आप ऐसे करें, रेडी हूँ मैं, आप ऐसे करें, आप 10 लफ्जों में एक्सप्लेन कर दें। चलो ठीक है, ये कौन सा है? नहीं मैंने वैसे, मैं प्रिपेयर्ड, मेरी गल सुनो, अपना मेरा पॉडकास्ट है। हाँ, कर मैं कितना ऑर्डर लेके आया हूँ। आप बाकी पॉडकास्टर से, बाकी ब्लॉगर से सीखे ना कि इधर की बात उधर से लेके जोड़ के लगाएं। जी रेहम खान ने ये कहा, रेहम खान कहते हैं ये कहा, नवाज शरीफ। अच्छा शुरू ही मुश्किल से किया ना। देखिये हो सकता है वो 4 दिन बाद, 6-8 दिन, 5 दिन बाद वजीर आजम हो मुल्क के, क्या पता। अभी भी कह रहे हैं, हो सकता है। मैं थोड़ा जा ओला रखना चाह रहा था, लेकिन तुसी नहीं बात वाला, तुसी कह ठीक है। वैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो फिर मैं फोन कहता वजीर आजम, पर आप मेरी जगह नहीं है। हाँ तो आप कुछ और कहना, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। हाँ, आई थिंक ठंडा। मेरी गल सुनो, तुसी 2-3 लफ्ज और ले लो। यानी कि इस कूल, ठीक है, कूल, ओके, कूल, डूड वाला कूल। नहीं नहीं, मतलब कूल इन द सेंस के, मतलब आपने कभी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, बौखलाहट में या गुस्से में, तहम्मुल, तहम्मुल आपने देखा एक, ये बड़ी क्वालिटी है। ओके बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो, जरदारी, नई सोच, ये तो उसके बैनर पे लिखा हुआ है, लेकिन है भी, आपने पॉडकास्ट नहीं देखा? देखा है मैंने, लेकिन खुद डिसाइड करके कि एक बार और खुद पीछे मुझे पकड़ा गया शिवाज शरीफ अब भी करूंगा शिवाज शरीफ। ये तो शिवाज शरीफ भी कहता है। शिवाज शरीफ फरमाबरदार, आसिफ अली दरदार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट के साथ तुम सियासत नहीं कर सकते, तुम अपनी स्क्रिप्ट के साथ भी नहीं जुड़े हो। आपने बयान आपने दिया ना, तो मुझे उस पर कुछ तो बोलने दें, मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं तो 10 लफ बोल सकता हूँ, आपने मेरे भी रोक दिए हैं। अच्छा जी, मरियम नवाज। अच्छा मरियम नवाज, वारिस, हामिद मीर। एक लफ्ज बहुत मुश्किल है, जो मेरा पश्तून है ना, वो बड़ा बहुत ज्यादा उसके लिए, ये बड़ी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कोई जितने मर्जी लफ्ज लें आप, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है? पश्तो में बोलने, खैर कौन सा समझ आएगी किसी को, यहाँ उनको सब समझ आती है, उनको सब समझ आती है। क्या कहूँ कि फनकार। ओके, और अब कुछ, ये तो होगी पर्सनैलिटीज होगी ना। अब तो हम कुछ आपसे सारी हो गई है। हाँ ये सारी, आपने बड़ी ज्यादती की, एक बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को भूल रहे हैं आप, बताएं ना, आप मेरी हेल्प कर देना। मैं क्यों करूं, कर दें प्लीज, क्या हो गया? जब आपने नवाज शरीफ का नाम लिया है, हाँ, आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया है, हाँ, बच्चों का भी नाम ले लिया है, हाँ, तो किसकी, मुझे बताएं ना, आप बताएं, बिलावल भुट्टो का नाम ले लिया है, मरियम नवाज का नाम ले लिया है, हाँ, तो किसका लूं बताएं, तो कौन सा, कौन रहता है, कौन सा बाप, भूल गए आप बता दें, द बॉस बता दें, अभी भी समझ आई, सरदारी। अच्छा नहीं लिया मैंने, अल्लाह की कसम मैंने लिखा हुआ है, वो मेरे लगता है मैंने ले लिया है। आप मुझे ना एज ए प्रोड्यूसर रख लें, वो है, देखो बराबरी होनी चाहिए,
ओए होए आसिफ अली जरदारी। अच्छा तो आसिफ अली जरदारी क्या होंगे? आसिफ अली अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया मैंने, लेकिन आई जस्ट थॉट कि इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस एंड डेमोक्रेसी, सर जमहूरियत हम खेल तो रहे हैं ना। अब आपको समझ आई है कि ये मुश्किलात क्यों आती है, क्योंकि आप खुद खड़ी कर लेती है मुश्किलात। चंगा भला मैं लंग गया था। नहीं लेकिन देखो जमहूरियत है, यू हैव टू कम से कम देखे तो सही कि हम जमहूरी हैं ना, ठीक है ये तो बड़ा जरूरी है ना। तो आई थिंक के गेम चेंजर वेरी गुड, जबरदस्त। धोखा मुर्शिद एतबार करूं एक्सप्लेन? मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, प्लीज। नहीं आगे बढ़ो, आगे चले। एतबार धोखा, क्या बात है साहा। यार ये समझने वालों को सारी बातें समझ आनी है, समझने वाले कहां से ढूंढ के लाए, वरना ना वेख्या जे पावे कोई जाए तुसी कहना की कर रहे ने, जाया हो गया। सही गल है। अजरी सहाफत एक लफ्ज है, लेकिन आप मेरा ख्याल है कि वो शुजा पाशा इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, मेरा ख्याल है सही करते थे, लेकिन हम इन द इंटरेस्ट ऑफ बीइंग पोलाइट विल से के ट्रैश। सियासत पपेट शो। मोहब्बत जरूरत। ओए होए होए अग लाती है। पाकिस्तान पाकिस्तान ओह दिस इज अ डिफिकल्ट वन। पाकिस्तान आई डोंट नो कि इसको उर्दू में क्या वर्ड होगा, आई सपोज ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान मेरी नज़र में तो है कि एक ऐसी मतलब गेम चेंजर ही है, क्या कहेंगे मतलब सोना है अगर कोई समझे तो, सोना है पाकिस्तान।